ये कनेक्शन का कुछ क्या क्या है ये बताओ ना सर। कनेक्शन इसके देखो सर, जो आपके काम के हैं वो यही हैं। ये क्या ये सब, क्या बोलते हैं इसको? ये सब आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ये ईजी इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं इनको। ये बेसिकली इसको बोलते हैं ईजी एम्पलीफायर बोलते हैं। एम्पलीफायर भी बोल सकते हो आप, जंक्शन बॉक्स भी बोल सकते हो आप। ये इसका एम्पलीफायर है मेन, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली आपका पीसी से कनेक्टेड है थ्रू यूएसबी। यहाँ से कहाँ कनेक्टेड है? इस केबल के थ्रू। यहाँ से इस ये जो केबल है आपकी, ये कहाँ चला गया? ये केबल है। अच्छा, ये पेशेंट के साथ होगा। ये केबल ये कनेक्ट होगी, इसको क्या बोलते हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये कनेक्शन जो है ये आपका, ये होती है फोर्टिक स्टिमुलेशन यूनिट। कौन सी? फोर्टिक स्टिमुलेशन यूनिट। ओके ओके, इसको बोलते हैं फोर्टिक स्टिमुलेटर। अच्छा, ये लाइट होती है। बेसिकली क्या होता है, जिसको फिट्स वगैरह पड़ते हैं, दौरे वगैरह, सीजर वगैरह आते हैं, उसको क्या करना होता है, जिस टाइम वो नींद में होता है उस टाइम पे हम उसको लाइट देते स्टिमुलेशन, यहाँ से स्टिमुलेशन देते हैं लाइट स्टिमुलेशन, तो उससे उसकी जो टेंडेंसी है सीजर आने की वो थोड़ी बढ़ जाती है। सीजर किसी को आने होंगे तो वो पॉसिबिलिटी होती है उसमें, उसके लिए ये यूनिट लगाई जाती है। तो अब ये क्या लगाया हुआ है, ये इसको इससे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ताकि इसलिए कनेक्ट किया ताकि मशीन को पता लगे कि 40 चल रही है। ये जस्ट एक सिग्नल भेजता है मशीन को कि 40 स्टिमुलेशन चल रहा है, और यहीं से सिग्नल वहाँ जाता है। उसकी खरीद आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको मेन यही देखना है, आपको एम्पलीफाइड आपका यहाँ लगा हुआ है इधर, ठीक है, ये पीसी लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी पावर है, और ये सभी इलेक्ट्रोड्स आपने लगाए हुए हैं, ये भी कनेक्टेड हैं सर। ये भी 40 का, ये एक्चुअली ये 40 का मार्क लगाती है। अब जो सॉफ्टवेयर है आपका, अब आपने 40 चला दी, अब आप बाद में इसको रिव्यू कर रहे हो रिपोर्ट को, आपको तो पता नहीं है कहाँ 40 हुई थी, तो उसका ना मार्किंग लगा देती है वो कि इस जगह पर हुई थी, फिर आप डायरेक्टली उस जगह पर जाके देख सकते हो कि वहाँ पे परफॉर्म क्या है, वो देखना पड़ेगा ऑन करके। हाँ, वो ये पीछे ये सर इसका आइसोलेशन यूनिट है, आइसोलेशन ये इस मशीन को सप्लाई जाती है इससे। ये सप्लाई हमने लगाई है मशीन की, ये हमने आइसोलेशन के थ्रू लगाई हुई है। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर, ये एक्चुअली आइसोलेट करता है सप्लाई को। प्रिंटर को कहाँ से कनेक्ट किया? प्रिंटर को डायरेक्टली लगाया है ये। अच्छा, ये वाईफाई? नहीं नहीं, प्रिंटर यहाँ लगाना आपने वायरलेस। अच्छा, ये निकाल के आपको यहाँ लगाना, ठीक ठीक। प्रिंटर डायरेक्ट लगा हुआ है, ये वाला कनेक्शन आपका आइसोलेशन का है, ये कनेक्शन आपका फोर्टिक सप्लाई का है। अच्छा, ईजी का है? ईजी का इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट है, ठीक है। सेम ऐसा ही डायग्राम यहाँ भी बना हुआ है, देखो ये मशीन बनी है ना, मशीन पे भी सेम यही पैटर्न बना हुआ है, ठीक है सर। ये लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड्स हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, दीज आर फॉर राइट साइड ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ठीक है। उसको आप इवन नंबर और ऑड नंबर से भी डिफाइन कर सकते हो, जो भी ऑड नंबर होंगे वो इवन, वो आपके राइट साइड पे लगेंगे, इवन नंबर सॉरी जो सॉरी ऑड नंबर होंगे वो आपके लेफ्ट पे लगेंगे, इवन नंबर आपके राइट साइड पे लगेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बने हैं आपने इसी हिसाब से लगाना है यहाँ पे। इसका एक तरीका होता है सर, इसको 10-20 सिस्टम फॉलो करना होता है हमें। तो 10-20 सिस्टम का मतलब क्या है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 100% है। ये एक्चुअली हमारा ब्रेन है, हम ऊपर से देख रहे हैं ब्रेन को। ये नेजियन पॉइंट है, यानी कि नाक का एरिया। ये इनियन पॉइंट है, यानी कि बिल्कुल हमारा जो एंड होता है ना यहाँ पे, स्कल बोन जो होती है, इसको हम मानते हैं 100%, और इसको भी हम मानते हैं 100%। एक कान से लेकर दूसरे कान तक ये भी 100% है, 100% हो गया ना। अब इस 100% को हमने बांटना होता है अलग अलग सेक्शंस में। हमें इनियन से लेकर इस लेंथ के बीच में 10% का गैप रखना होता है, 10%, ये 10% है। उसके बाद इस गैप से लेकर ये इसके अगले इलेक्ट्रोड के बीच में 20% का गैप रखना होता है, ठीक। बेसिकली हमें सीजेड को 50% पे लगाना होता है। 50 पे यहाँ लगाया तो 25 हो गया। हाँ, 50% पे सीजेड को लगा दिया, जैसे 100% है आपका पीजर 25 पे हो गया ना सर। 25 पे नहीं, 50 में 20 कम करना पड़ेगा हमें, 30%, यानी कि 30, यहाँ से 20% लेंगे हम। यहाँ से 30%, यहाँ से 20 लेंगे, या फिर 20 लेंगे, 10 रह गया हम। अच्छा, 10, ठीक ठीक। सबसे पहले बेसिकली हम हम सेंटर का लगाएंगे ना, हम यहाँ से भी सेंटर नापेंगे, यहाँ से भी सेंटर नापेंगे, ऐसे सेंटर नापेंगे और ऐसे सेंटर नापेंगे, तो जो सेंटर पॉइंट बनेगा वहाँ पे हम सीजर लगा देंगे। किस चीज़ से नापना? मेजरिंग टेप? मेजरिंग टेप से नहीं, अंदाजा होता है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आपको रूलर से नहीं नापना है, एक अंदाजन लगाना होता है, क्योंकि ये इसलिए सेंट्रल एरिया होता है। तो सेंट्रल एरिया यही नहीं होता, ये पूरा एरिया होता है सेंट्रल एरिया, कहीं भी लगा सकते हैं, तो यहाँ लगा दे सकते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा हो गया 50% में, कि ये 100 है, 100 का हाफ हो गया 50, तो 50 से 20% नीचे हमने पीजेड लगाना है, और 20% ऊपर हमने एफजेड लगाना है। 20% साइड में हमने C3 लगाना है, 20% C4 लगाना है, ये चारों लग गए हमारे, ठीक है। उसके बाद हमने इनके हिसाब से ये सब लगाना है, इसके 20% नीचे ये लगाना है, इसके 20% ऊपर ये लगाना है, इसके 20 यहाँ लगाना है, फिर इसके 20% अभी इन दोनों के बीच में 20 20
इन सभी के बीच में 20-20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 20। हाँ, यहाँ बस आपको यहाँ पर 10 करना है, यहाँ पे 10, बस यहाँ का 10 है, यहाँ का 10 है और यहाँ का 10 है, और ये उन जो साइड वाइज है ना आपके, जो जैसे आप यहाँ पर 10% होगा, इधर से 10% ऊपर होगा, इधर 10% ऊपर होगा, पीछे से 10% ऊपर होगा, बाकी सभी को 20% फॉलो करना है। तो इसको फॉलो करेंगे स्टार्टिंग में, इसको फॉलो कर करके हम लेफ्ट फुट प्लेसमेंट करेंगे। सर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी होती है कि पेशेंट को तेल नहीं लगाना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो एडवाइस करना है। हाँ, अभी हम इसको तेल लगा हुआ है तो चलो थोड़ा बहुत नॉइज आ सकती है उससे ना। तो सर देखो ये पॉइंट आपने लेना है, मास्टर एरिया, ये आपका है ना, ये के ऊपर, हाँ ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये ठीक है। इसका सेंटर नाप लेना हमने, यहाँ ये सेंटर बन रहा है, ये सेंटर बन रहा है ठीक है ना, और उसका भी यही बनेगा, और इंडियन का इंडियन इंडियन हो गया, इंडियन और ये नेजियन पॉइंट हो गया, ये वाला इसका सेंटर भी यही होता है, इसका सेंटर भी लगभग कहाँ, लगभग ये हमें बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं करनी है, हमें रफली मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ पे आ गया आपका ये पॉइंट ठीक है। अब किसी को अगर डेंड्रफ है या कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आपने वो जो आपको दूसरी जली दी हुई है ना एक और, वो जो साफ, उससे आपको उसको क्लीन करना है एरिया पहले, पर यहाँ पे इनका बिल्कुल क्लीन है। ये क्या हुआ, ये सर कनेक्टिंग पेस्ट होती है ये। हाँ। ये बेसिकली ये कहाँ से मिलता है, इसे कंपनी से आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कंपनी से मिलेगा। कितना दिया हुआ है हमें, तीन तीन है, दो है, कितना सर, तीन 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 है इसका। हाँ, पेशेंट की ना पास ले सकते हैं सर। तो ये इसमें लगाना है, ये इसमें लगाना, वो कैसे पता चलेगा। हाँ, ये कहीं भी लगा सकते इसको, ये नहीं निकालना आपने, अभी लगा दिया ना मैंने, अब इसको निकालना नहीं है आपने। अच्छा, कहीं भी लगा सकते हैं इसको, अब प्लग आउट नहीं करना है इसको। नहीं नहीं नहीं, हाँ, इसको ऐसे रखना आपने, जैसे अभी लगा हुआ है ना, परमानेंटली इसी तरह रखना, ऐसे रखना परमानेंटली। आपने बस ये जो आगे वाली जो लीड्स हैं इनको वॉश करना है, क्योंकि आगे साफ तो लीड्स आगे वाली होगी ना। नहीं, अगर ये लगाना कैसे, वो कैसे पता चलेगा, लगाना है। नहीं नहीं नहीं, मतलब कि कौन किस में लगाना है। हाँ, वो मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, ये आप किसी को भी कहीं भी लगा सकते हो, ये दो अलग जो है ना, मतलब ये उठा के यहाँ लगा सकते हो। हाँ, ये उठा के यहाँ लगा सकते हो। अच्छा, कुछ नहीं है इसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको इसको उसी जगह लगाना है, मतलब जो जगह बनी, जो जगह बनी। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। अब इसमें बस आपके देखो सर, ये चीज़ें तो आपको इसमें दी हुई हैं। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ आपको, ये चीज़ें तो आपको यहाँ दी हुई हैं बिल्कुल, आपको ये चीज़ नहीं दी हुई यहाँ पे, X1 X2 तो नहीं दिया ना वहाँ पे। X1 X2 भी है, X3 भी है, 2 भी है, X7 तक है, X1 से लेकर X7 तक चैनल्स हैं। ये कुछ एक्सटर्नल चैनल्स होते हैं, जैसे आपको ड्यूरिंग EEG आपको अगर ECG मेजर करनी हो, आपको रेस्पिरेशन मेजर करनी हो, आपको अपना CO2 मेजर करनी हो, या SpO2 मेजर करनी हो, तो उनके लिए सेंसर आते हैं अलग अलग, तो वो यहाँ लग जाते हैं। तो मैंने अभी ओनली ECG का लगाया हुआ सेंसर, ECG का सिग्नल पिक करेगा यहाँ से। सीजर ही है सेंटर में, सीजर ही सेंटर, ये सीजर कहाँ ले लिया, ये सीजर सेंटर लिया, हाँ निकाल लिया, तो लाके ये आ गया सेंटर में। ये आपने इसको अंदर की तरफ लगाना है, मैंने उल्टा लगा दिया, अंदर की तरफ, अंदर कप में लगाना है, और उसके बाद आपने बिल्कुल बाल छिड़ के, बाल के ऊपर नहीं लगाना है इसको, स्कैल्प पे लगाना है, जो इसकी स्किन है ना उस पर लगाना है। अगर कॉटन होगी ना आपके पास, तो उसके ऊपर कॉटन भी रखनी होती है वैसे, ताकि कॉटन से क्या होता है, क्या आइसोलेशन है। अच्छा, कॉटन है, इसको लगाने में लगते हैं 15-20 मिनट कम से कम। कितना टाइम, 15-20 मिनट लगाने में, 15-20 मिनट कम से कम लगते हैं। स्टार्टिंग करने में प्रॉब्लम आती है, हमें तो गंद वो खाती है, उसे मुश्किल है पेशेंट सा, पेशेंट रहे मैंने जा 5 मिनट ये से बना के रखने पड़ते हैं पहले से, ऊपर से इसको प्रेस कर देना ऐसे। अच्छा, अब इससे 20% नीचे हमने लगाना है PZ, PZ हाँ, CZ कोई भी लगा लो जो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, पर बेसिकली आपको सेंटर का पता होना चाहिए पहले।
पीजर दिया आपने? हाँ जी दिया पीजर मैंने। ठीक, आप कैसे भी लगा सकते हो, आप ऐसे भी लगा सकते हो, आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे आपको कम्फर्टेबल लगता है। ठीक है, और ये हर एक का अपना अपना वो होता है तरीका लगाने का। अब इससे हमने ये इनियन है, पीजर इनियन की तरफ है, नहीं ये इनियन है ना, ये हाँ इनियन है, ये 50% है, ये इनियन है, हाँ ये इनियन है ना, तो इनियन और सेंट्रल के बीच में ये हो गया 50%। हमने लगाना है यहाँ से 20% नीचे, तो ये 50 का आधा हो गया 25, 25 का हल्का सा ऊपर हो गया 20, तो यहाँ लगेगा यहाँ पे 20 पे, हाँ 20% यहाँ से 20% नीचे लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल 20 आगे, 20 आगे और लगेगा, 10 की डिफरेंस रहेगी आगे। जेली लिया, ठीक है, वही तरीका है, आपने पहले स्किन पे लगाना है, थोड़ा फैलाना स्किन पे, ऐसे लगा देना आपने इसको, छोटा सा कट लगाना। अब आगे आ गया सर, ये लगा दिया हमने, अगला आ गया एफ जेड, एफ जेड ये रहा, एफ जेड ये, एफ जेड है, इसको उठाना है यहाँ से, आराम आराम से उठाना है सर। कोई वैसा फिक्स नहीं है, अंदाजे से लगा सकते हो आप, ठीक है सर। आ गए, अगला आ गया हमारा, अब हमें लगाना है ये लाइन कंप्लीट कर ली हमने, अभी लाइन कंप्लीट कर देंगे ना हम लोग, ठीक है। C3 आप पहले C3 लगा लेते हैं, लेफ्ट साइड के लगा लेते हैं पहले, C3। अब 3 का मतलब हो गया ऑड नंबर है ना, 3 ऑड नंबर लगेगा लेफ्ट साइड, यानी लगेगा लेफ्ट साइड, अभी यहाँ से यहाँ मेजर किया 50% ये हो गया, थोड़ा ऊपर लगा है ना, ये लगभग 20% यहाँ आ गया इसका, T3 का भी वही है, इक्वल डिस्टेंस पे लगेगा ना, इक्वल डिस्टेंस पे लगेगा, यानी 20% जो डिस्टेंस आपने ये लिया था इतना डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ यहाँ 10 बचेगा, यहाँ से यहाँ 10 बचेगा, हाँ ये 10 बचेगा, आपने अगला लगा देना, ये लगा देना इसको, PZ के टुवर्ड्स द लेफ्ट रहेगा 20% पे, हाँ तो इसका और इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, 20% यहाँ से होना चाहिए, 20% यहाँ से होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस आपने सेम रखना है, तो लगभग लगभग यहाँ आएगा ये, ठीक। हमने क्या लिया, हमने ये लिया है P3 लिया हमने, अभी T5 अगला आप लगा के देखो कहाँ लगेगा, T5 लेफ्ट साइड लगेगा, 20% P3 के 20% पे लगेगा नीचे, ये 20%
आपको ऐसे नापना है 20% 20% ये हो गया 20% ये हो गया हाँ तो है ना हाँ जब आप इस कंडीशन नापो ना हाँ ये ठीक इतने डिस्टेंस पे नीचे लगा रहे हैं ये तो इन दोनों का सेम होना चाहिए ये है ना हाँ इधर हाँ ये बिल्कुल इधर ही है बाल पीछे करते हैं बाल को ना ठीक इस स्कैल्प पे लगाओ स्कैल्प पे पहले इसको पहले स्किन इसको पहले स्कैल्प पे फैलाना होता है पहले है ना ऐसे करके दिखाओ एक बार चाहता हूँ आपको इसको ना ऐसे करके थोड़ा हल्का सा ज़्यादा लेना हल्का सा ज़्यादा इतना सा लेना फिर इसको स्कैल्प पे ऐसे इसके बाद राइट साइड जाना पड़ेगा ना ये लगा लिया ना अब हमारा ये P4 जाता हूं हां P4 चल गया राइट को से बाद में लगा लेंगे ठीक है पहले लेफ्ट कंप्लीट कर लो लेफ्ट कंप्लीट पहले लेफ्ट कंप्लीट कर लो लेफ्ट का ये F3 बचा F3 का हमारा ये TS F3 हां F3 कर लो F3 कर सकते हैं इसको ऐसे लेके आना आपको वो खींचोगे ना अब ये इसलिए बहुत तेज होती है स्मूथ होती है ये अपने आ जाती है ऊपर प्रेस कर दो कॉटन चिक F7 किस साइड था F7 7 का मतलब होगा सर आपका लेफ्ट 7 आउट सुन ले F7 सर ये लगाया ना नहीं F हां FZ हां F3 F7 अब ये लगेगा सर FZ को FZ अगर हमने ये लगाया था इसके Z पे Z हां ये है इसके आगे हमने लगाया F3 F3 तो इतने ही डिस्टेंस पे आगे लगेगा या लगेगा नीचे जाना है F7 और इसका भी 20% होना चाहिए इसका भी 20% होना चाहिए ये आपका ही लगा हुआ है ना T3 के लिए आपका ऑप्शन है ये इलेक्ट्रोड अगर ख़राब हो गए तो मिलता है क्या अलग से हाँ ये मिल जाता है आपको अलग से मिल जाता पर ये आपको जितना आप डेलीगेटली यूज़ करोगे ना वही खराब होगा सर अब हमारा देखो पूरा हमारा लेफ्ट कवर हो गया हमारा ओनली ये रह गया है और ये रह गया हमारा ठीक है हाँ ये लगते हैं आगे ये जब ये लेट जाएंगे तब लगा लेंगे हम और O1 भी जब लेट O1 हमने और ये O1 रह गया ना ये P3 के 20% पर लगेगा O1 पीछे नहीं लगेगा P3 था ये लगभग यहाँ लगेगा आपका इधर इंडियन पॉइंट होता है ना आपका इंडियन पॉइंट के 10% ऊपर जा जाओ ये है ना ये अगर ये हो गया इंडियन ऊपर आ गया और इसके 20% यहाँ लग जाएगा इधर जितना एज लगा हुआ है ना यहाँ लगा दो इसको राइट से लगा ना O1 है सर ये 1 का मतलब लेफ्ट है 1 लेफ्ट है 1 का मतलब आपका ये हो गया ना और नंबर हो गया और नंबर लेफ्ट पे लगते हैं यहाँ लेकिन O1 ये नंबर इन्हें सर लगेगा इस साइड F1 लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया अब राइट साइड कंप्लीट हो गया अब राइट साइड में आएगा अब राइट में आप वैसे शुरू करो ना CZ को रेफरेंस ले लो ना CZ था इसके साथ साथ लगाते रहो आप C4 लगा लो मैं C4 लगा हूँ C4 लगा हूँ C4 20% लगा नहीं ये आप देखो ना ये कहाँ लगी हुई है मिडिल CZ के पास CZ ये सेंटर से हम सेंटर हम यहाँ से नहीं नहीं ये मेजर करना है ना पहले हाँ मेजर करो यहाँ से ना यहाँ से ये कान के ऊपर से मेजर कर लो यहाँ से मेजर कर लो हाँ यहाँ से
यहाँ से ये 50% हो गए, ये 50% ये 50% ये बाल अच्छे तरह निकाल के ना स्कैन पे लगा दें। कोई बात नहीं, जो जो ओपन हो जाएगा ना वो हम बाद में उसमें देख सकते हैं। ठीक है, क्या बचे फिर? अब हमने ये लगा लिया ना सर P4, अब आप ये लगा लो, ये फ्रंटल लगा लो। जो सर ये FF जो बने हैं ना, FCP, ये बेसिकली ब्रेन के पार्ट होते हैं ना, फ्रंटल सेंट्रल टेम्पोरल ठीक है पेरेटल, ये पार्ट्स अलग है, इसलिए उनको पी पी से ऐसा ऐसा नाम दिया हुआ है। अपने ये लगा ना F4, ये F4 है है ना, इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये हाँ इधर लगा। F4 यहाँ है ना, बीस ऐसे बीस ऐसे जाएगा। F4 से F8 लगाना भी है, F4 गया है, लेट आ गया ना। ठीक है सर, हो गया। O1 O2 रह गया, इसका O1 लगाया था ना आपने, O2 इसी जगह पे उल्टी तरफ O2 लग जाएगा। इसकी दो O1 O2 के बीच कितना है? 20। हाँ भाई, ये 20 डिस्टेंस है, पर हमने इस हमने इसको नहीं लेना, हमने P4 के नीचे लेना, P4 के नीचे लेना। P4 ये P4 इसी लाइन में लगा लो आप, यहाँ पे सेंटर पे तो है ना। हाँ O2 है ना, ऑक्सीमीटर ले लिया है भाई, हो गया ये वाला है ना, ये वाला हो गया। अब इसको आप लटा सकते हो, अब लटा के FP1 FP2 M1 M2 लगाना है, आराम से लटना है। एक सेंटी के इधर आ जाओ जी, आराम से लटना है ना, ले आराम आया बच्चे। आप कौन से आगे वाला? M1 M2 बिल्कुल बॉर्डर से है ना, यहाँ लगाओ फिर आप कुछ देखो, कुछ यहाँ लगाते हैं, कुछ यहाँ लगाते हैं, आप यहाँ लगाते हैं, मतलब स्कैल्प के पास उसका कनेक्शन होना चाहिए। करते हैं एक ऑर्डर, बस इतना लगाना कि वो इतना भारी ना हो कि उसको गिरा दे, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड को भी गिरा सकता है, इसलिए बहुत हल्का सा। A1 यहाँ पे है ना, सेम सेम आप स्क्रीन है ना, स्क्रीन पे यहाँ इधर लगा दो, जेड लग गया, जेड के बाद हो गया FP1 FP2 FP2 पे कितने डिस्टेंस पर लगाना है? ये लगेगा आपका नेजियन से 10% ऊपर और उसके 20% F7 से, ये F7 है ना, ये FP2 है ना, ये यहाँ लगेगा आपका, इधर ये आपने 2 लगाया ना, ठीक है चलो FP1 ये है। मुझे लगता है लगभग आ गया सब, एक बच गया गादू गा। ये कौन सा, ये नहीं लगाया आपने, ये नहीं लगाया आपने, ये हाँ अच्छा कौन सा, ये नहीं लगाया है, अच्छा ये दोनों का, अच्छा ये ECG का होता है, ये इनको हाथ एक्स और ए इसको हाथ में लगाता है,
ये माइनस हो गया पॉजिटिव। हाँ यहाँ पे ना यहाँ जहाँ पे होता है ना इनका ये नॉब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ये एक उधर लगा देना एक उधर लगा देना, ये पॉजिटिव से रहे ये 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 सर ये ना। अच्छा ये इधर T1 T2 लगाए क्यों नहीं, ये एक्स्ट्रा होता है, ये एक्स्ट्रा होते हैं, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। किसके लिए? ये एडवांस स्टडी एडवांस करनी हो ना इजी, अगर टेम्परेचर का तो नहीं है, टेम्परेचर का तो नहीं, नहीं ये सर ये भी इजी का चैनल होता है, ये भी टेम्पोरल है, टेम्पोरल ये भी वाला एरिया जो बच गया ना, ये वाला एरिया कई लोग यहाँ पे लगाते हैं इधर भी, पर वो एक्चुअली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं लगाते हैं, ये हम लोग कर रहे हैं 16 चैनल। अभी फिर दो इसका इलेक्ट्रोड है आपके पास? इसका सॉफ्टवेयर अपने आप जब कनेक्ट करेंगे तब अपने आप आ जाते हैं यहाँ पे। मतलब ये यहाँ पे आ जाता है ना? हाँ आ जाएगा, आइए अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। सबसे पहला काम हमने करना है पेशेंट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके लिए हमें जाना है न्यू पेशेंट पे। वन टू थ्री पेशेंट पे पेशेंट आईडी आ गई, नेम डाल दीजिए नज़ीर। ठीक है, ये सब मेल फीमेल डाल दीजिए इसका, है ना, डेट ऑफ बर्थ भी ला सकते हो वहाँ पे, उधर एज भी डाल सकते हो, दूसरी तरफ एज भी लिखी हुई है, एज लिखी है ना, एज एज ठीक है, डायरेक्टली एज भी डाल सकते हो आप। इसको बंद कर इसको 28 कर दो, है ना, ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, नहीं जो इतना दूर हैंडेड नेसर राइट से काम करते हैं, लेफ्ट से काम करते हैं, राइट है, हाइट वेट की रिक्वायरमेंट है तो देख सकते हो, 5'6" है ना, उसके बाद आपका ये चीज़ें आ गई एग्जाम नंबर की, या कोई आपका कुछ नंबर देते हो आप पेशेंट को तो वो डाल सकते हो, देन पेशेंट इन है या आउट है, इन आउट पेशेंट बेस, किस डिपार्टमेंट ने रेफर किया है, डिपार्टमेंट की लिस्ट में जो डिपार्टमेंट होगा वो आप डाल सकते हो, सर्जरी डॉक्टर का नाम, एग्जामिनर का नाम, मेडिसिन भी इसमें ऑप्शन नहीं होगा तो हम डाल सकते हैं, जो ऑप्शन नहीं है इसमें हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा ऐड कर सकते हैं, आप मुझे बोल दीजिएगा मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, नहीं है मेडिसिन, इंटरनल है ना, इंटरनल मेडिसिन ही है, इंटरनल मेडिसिन है, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर नेम कुछ चाहिए तो यहाँ पर डाल सकते हैं फिलहाल अभी आप। ठीक है, ओके ओके, आगे इन्फॉर्मेशन ये जो अडल्ट थी आपने, अब हमने ये अडल्ट एग्जामिनेशन है, ये न्यू नेट का है, हमने अडल्ट करना है, सिंगल सिंगल प्लस करना है। इलेक्ट्रॉन न्यू नेट के लिए भी यही चलेगा? हाँ यही चलेगा, पर उसमें कम लगते हैं न्यू नेट में, इतने नहीं लगते न्यू नेट में। अच्छा इलेक्ट्रोड कम में कम लगा भी। अच्छा ठीक है, बस सर इसको ये सब एंट्री आप चेक कर लीजिए। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ओके कर दीजिए आप, ओके कीजिए। ठीक है सर, ये इनकी अब ये लिखा है कैल 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 का मतलब है ये कैलिब्रेशन सिग्नल आ रहा है अभी, इजी कैलिब्रेशन हो रहा है अभी, ये इजी नहीं आ रही है, इसको आपको 1 मिनट 20 सेकंड चलाना होता है स्टार्टिंग में। हमें इजी देखने के लिए ये बटन लिखा ना, इसमें लिखा हुआ इजी सिग्नल, हमें इस पर क्लिक करना है। ठीक, लाइट चली गई है, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 40 नहीं चलेगी आपकी। ठीक है सर, ये इनकी इजी आ रही है, और बाकी हमें चेक करना होगा कौन सा इलेक्ट्रोड प्रॉपर, ये इजी आ रहा है इसका, हाँ ये इजी है पर थोड़ा सा नॉइज़ नॉट। अब हमें ना इसको यहाँ पे चेंज करना है एचएफ, ये एचएफ हमें करना है 35 पे कर लो, 30 पे कर लो। क्यों 35 क्यों करना है? क्योंकि जो ये 120 हर्ट्ज है ना, ये एक्चुअली होती है इंट्राऑपरेटिव इजी होती है। ठीक ठीक ठीक, हमें ये 70 से ऊपर रखना है, या तो 50 रख 60 रख लो, 70 पर 60-50 पर ठीक आ जाती है, 60 पे कर लो। ठीक है रखा, अच्छा ये यहाँ रखा है, ठीक है सर, ठीक है, ये हम चेक कर लिया, ये आ रही है, ये जो वेवफॉर्म आ रही है ना, बाकी एक चीज़ हमें देखनी है कि इलेक्ट्रोड प्रॉपर लगे हैं कि नहीं, तो उसके लिए हमें ये बटन दिखा हुआ है, इम्पीडेंस चेक, इसको प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रखना है, रखना है फिर छोड़ना है,
थोड़ी देर रखना है। अब देखो सर कुछ इलेक्ट्रोड दिखा रहे हैं ना यहाँ पे 31, 37, 28 कुछ दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये इसकी एक्चुअली बेसिकली इसकी इम्पीडेंस है ये। अच्छा मतलब ये अच्छा कनेक्शन है कि नहीं? हाँ अब देखो ये आपसे ये थोड़ा कम कनेक्शन है, अच्छा चलो एक्सेप्टेबल है 37। अच्छा 10 के ठीक है, 10 के तक का थ्रेशोल्ड है इसका, है ना, उससे कम यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि इन्होंने एक तो ऑयल लगाया हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। मतलब 10 के से ऊपर ही है ना हमारा, ठीक है ना फिर? नहीं नहीं 10 थ्रेशोल्ड है, 10 से कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। तो इधर ऐसा नहीं है, इसमें हमने यहाँ पे ना हमने एंट्री की होती है, देखो ये 10 लिखा हुआ है ना। हाँ अब इसलिए ये मशीन इसको 10 को ही मान रही है। हाँ इसको हम 20 कर देंगे तो ये 20 को मानेंगे थ्रेशोल्ड। अच्छी आप ऐसे तो ये 50 से कम कम 50 तक होना चाहिए मैक्सिमम, पर जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। अच्छा अगर हम इसको 50 कर देंगे तो भी 50 को थ्रेशोल्ड मान रही है। अब वहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 आ गया ना वहाँ पे। अब ये 50 से, हाँ 50 से कम कम जो होंगे उसको ये दिखा रही है ठीक है, तो हम इसको 50। ये इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है फिर? हाँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा आने का इसका रीज़न, क्योंकि उन्होंने ऑयल लगाया हुआ है। ठीक ठीक है। दूसरा रीज़न है कि कुछ इलेक्ट्रोड खुल गए हैं, जैसे F7 आई है 7388 खुल गया है, मैं इसको ओपन हो गया इलेक्ट्रोड, क्या देखो हो गया ना F3 देखो F3 को छेड़ना 31 हो गया ना। F3 कम हो गया। हाँ F7 है 74, ये भी थोड़ा ज़्यादा। F7 का भी चेक कर रहा था। अच्छा कनेक्शन कम है ना, इसको दबाना पड़ता था कि F3 फिर निकल जाए, इसको हम पता है इसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आपको बार बार हो रहा है ना इसको, क्या बाल को अगर टिंट करके आए तो वो सही नहीं रहेगा सर? बाल में ना एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए, ऑयल की वजह से जो है ना, क्योंकि आपको पता है ऑयल क्या करता है। F3 का वापस चला गया ना, अब ठीक हो गया सर। जो ऑयल होता है ना, ऑयल आपका एक तरह से, अच्छा आपने थ्रेशोल्ड ऊपर रखा है ना, ठीक है। F3 पीछे सारे इम्पीडेंस वाले आ गए। जो इसे ऑयल होता है ना, तो ऑयल एक्चुअली क्या करता है, इंसुलेटर होता है, कंडक्शन को कम कर देता है। इसको बोलना पड़ेगा सिर दो क्या जो शैम्पू से, हाँ अच्छी तरह प्रॉपरली फिर चिपक भी आता है। इससे क्या होता है ना, तेल से ना थोड़ा चिपक चिपकने में प्रॉब्लम आती है इसको, पेस्ट है ना चिपकता नहीं तेल तम से इसको सुनो जाए। जो बाल पे लगेगा वो तो बाल पे तो क्या सिग्नल आएगा, स्कैल्प पे सिग्नल आएगा। तो वो कम C3 का ऊपर वाला है, ये फिर निकल, ये भी बाल पे लगा हुआ, सब निकल गया। अब तो ये सब नहीं निकला, हाँ बेसिकली जो C3 है ना वो हमारा ग्राउंड है, C3 निकल जाएगा तो सब सभी निकल जाएंगे। C3 हमारा, अच्छा अच्छा C3 ग्राउंड है जो ग्राउंड में, हाँ तभी आप C3 को निकालते समय ये सब निकल रहा है। C3 भी ग्राउंड है, C4 भी ग्राउंड है, अब ठीक हो रहा है। अब C3 का लेकिन फिर भी ज़्यादा रहा, 131। C4 ठीक है, हाँ थोड़ा कम हो गया लेकिन, है ना, ये जो तेल लगा सिर्फ T4 थोड़ा ज़्यादा रहा उस सिर वाले। कुछ कुछ नहीं कि आप बालों पे लगे हो, ज़्यादा के बाद छोड़े ना छोटे छोटे वाले ना वहाँ पे थोड़ा सा, हाँ वो मुश्किल होगा बिल्कुल। अच्छा इससे कम नहीं हो पाएगा, ठीक है आप वो चलो ये हम सीख गए थोड़ा बहुत ना, इससे कम नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या करना है? ओके ओके ठीक है। अब क्या और इसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं बाकी? और मैं कहता हूँ आपको, इसका सर अपना लो पास हाई पास फिल्टर है, इसको ना थोड़ा नॉइजी सिग्नल आ रहा है ना, तो इसको हम 35 कर लेते हैं।
कोई तो कोई कुछ मगर ये है ख्यांगुल है नॉइज़ रिमूव हो जाएगी इससे हम बड़े ज़्यादा नहीं कि तो नॉइज़ ज़्यादा इससे नॉइज़ रिमूव हो जाएगी ऐसे क्यों आ रहा है अभी आएगा आ रहा ना सीधा हाँ अच्छा अभी आप रिलैक्स हो जाओ भाई जी आप सो लो रिलैक्स हो जाओ रंगी तो अभी कुछ यहाँ पे अर्थिंग भी नहीं है ना तो अर्थिंग भी करेंगे तभी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी ठीक है जी ये कुछ पैटर्न होते हैं जरा रिकॉर्ड करना है इसका आँख बंद कर लो भाई जी अब मिक बंद बस रिलैक्स होकर सो जाओ बस पहले तो हम अच्छी मान आ रहे हैं ऐसा मिक बंद बनाया हम अजीक सोए ऐसा डॉन सोए अब लाइट जाना है अभी लाइट चलेगी इधर ओह शिट यार अच्छा ये ठीक है ना इसका ये अब डीप सो गया है ना ECG भी आ रहा है नीचे अच्छा उसके बाद और अब सर अभी ये रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट नहीं है अच्छा ये HF हाई पास फिल्टर है सर ये हाई पास फिल्टर कम रखना है ना मतलब अगर आपके इम्पीडेंस ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा कम रख सकते हो उसको ताकि सिग्नल आपका ठीक रहे ये बार्स इनके बारे में वैसे तो हाई पास फिल्टर में ये ECG स्कोप है ECG स्कोप ये सर कंपैरिजन के लिए होता है या ये नहीं यूज़ करना आपको ये आपको रूलर वेवफॉर्म ड्राइंग मोड ये इसको वेवफॉर्म को क्लियर स्मूथ करने के लिए है ये ये क्या डिस्प्ले पैटर्न टेबल ये पैटर्न बताता है किस पैटर्न में चल रहा है अभी आपको ये इंपेडेंस है ये कैलिब्रेशन सिग्नल है पैटर्न ज़रा देखें अभी हम जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं वो हमने इस पैटर्न में लगाए हैं बस चैनल वन पे ये दोनों इन दोनों का सिग्नल आएगा चैनल टू पे इन दोनों का सिग्नल आएगा इस हिसाब से इनके दो चैनल बने ना सामने वन से लेकर ठीक अभी ये इस हिसाब से इनकी सिग्नल हमने लिए हुए हैं चैनल्स लिए हुए हैं ठीक है फर्स्ट चैनल पे FP1 और A1 के बीच का सिग्नल आएगा ये कैलिब्रेशन से EGC यही है ना जो अभी चल रहा है हमें जो यूज करना होता है ये हो गया फ्रीज फ्रीज करना होता है चाहे फ्रीज हो जाए और ये पेशेंट इन्फॉर्मेशन और डिस्प्ले एक्टिवेशन में अच्छा फिर क्या करना ये ऑन करना आपको ये जो एक्टिवेशन बटन लगा रहा ये ऑन करेंगे तभी आप 40 चला सकते हैं ये 40 का ऑप्शन है सारा अच्छा ये अगर इसको हम ऑन करेंगे इसको अगर आप ऑफ करेंगे तो 40 ये लाइट का ना ये लाइट अभी लाइट नहीं आएगी ये है ना आप इसको क्या करना है फिर अब मैं आपको बताता हूँ अभी हमारी इजी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है नहीं अभी हम बस चेक ही कर रहे हैं इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ ताकि हमें देखने में थोड़ा इजी हो जाए ये पैटर्न है सर इसके अभी हमने 1A लिया हुआ है 2A में क्या है अच्छा अलग अलग पैटर्न है अलग अलग पैटर्न है 2A में FP1 F7 F7T ये एक्चुअली आप ये आपका लंबाई में सर्च करेगा अपना बताऊँ आपको इसके क्या पैटर्न सारे लेना होता है रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्ड तो आप किसी भी ले लो बाद में आप किसी भी पैटर्न में देख सकते हो एक्चुअली इधर देखो ना ऐसा होता है ना इसी पैटर्न है सर अभी हमने इसमें सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं हमें यहाँ का सिग्नल देखना है यहाँ का सिग्नल देखना है यहाँ का देखना है इसके बीच का देखना है इसके बीच का देखना है अब क्लॉड तो कहीं भी हो सकता है ना कि बीच में क्लॉड यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है तो वो देखने के लिए हमें सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं तो हम दो दिन ये एक तरह से पैटर्न का मतलब है कि हमने स्कैनिंग कैसे करनी है हमने स्कैनिंग ऐसे करनी है या ऐसे करनी है वो कैसे पता चलेगा करना है या इन सबको इससे करना है ठीक समझ वो पता कैसे लगेगा हमारे किसी का मैंने बोला अब मैंने राइट से फर्स्ट पैटर्न किया मैंने 1A राइट फ्रंटल एरिया मैंने 1A का मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ इसका ये आ गया हाँ डिस्प्ले में ना ये बता रहा है FP1A1 FP2A2 F3A1 मैं सभी को A1A2 से कर रहा है ये A1 आपके इनको A1A2 बोलते हैं यहाँ पे M1 M2 को A1A2 भी बोलते हैं अभी इन सभी को A1A2 से कर रहा है यानी कि FP1 को A1 से कर रहा है FP2 को A2 मतलब जो यहाँ वाले सभी को इससे स्कैन कर रहा है इनको सभी को इससे स्कैन कर रहा है तो ये जो सिग्नल आ रहे हैं आपके तो जो आपकी जो वेवफॉर्म्स आ रही हैं जो फर्स्ट चैनल की वेवफॉर्म आपकी इसके और इसके बीच की आ रही है वेवफॉर्म अच्छा FP1 और A1 के बीच की और F3A1 के बीच की आ रही है थर्ड चैनल पे FC3A1 की आ रही है आपके फिफ्थ चैनल पे तो ऐसे ऐसे सभी की इसके साथ स्कैनिंग हो रही है ये आपका पैटर्न आ गया जिसको भी 1A बोलते हैं इसमें जिसको कुछ लोग नाम भी देते हैं आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हो अपने हिसाब से ठीक पर वो जो टेक्नीशियन है वो जो डॉक्टर है अपने हिसाब से देते हैं अब बाई डिफॉल्ट इसमें 1A दिया हुआ है अब इसको आ गया 2A 2A में क्या है FP1 F7 FP1 को करेगा F7 से F7 को करेगा T3 से T3 को करेगा T5 से T5 को करेगा O1 से मतलब बेसिकली ऐसे स्कैन कर रहा है
जो सिग्नल आ रहे हैं वो आपके ऐसे ऐसे सिग्नल आ रहे हैं, जो चैनल्स हैं वो आपके ऐसे ऐसे स्कैन हो रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा कि किस जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को यहाँ पे आप। ये जीवन G2 क्या होता है, होता क्या है? जीवन का मतलब है सर एक्टिव और G2 रहता है सर, मतलब ये दो इलेक्ट्रोड हैं बेसिकली आपके जीवन, आपका फर्स्ट चैनल है इलेक्ट्रोड 1 इलेक्ट्रोड 2 हो गए ना, इलेक्ट्रोड 1 इलेक्ट्रोड 2 है। ठीक 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 है। सेम ऐसे ही अलग अलग पैटर्न है, 1A 2A, ये सभी पैटर्न है सारे, 3A भी है। 3 कॉमन यूज होता है वो कौन सा होता है? कॉमन सर 1A करना है आपने, 2A करना है, 3A करना है। अच्छा ये दी है, हाँ ये तीन थ्री रखी करना है, उसके बाद के सारे वो जब रिक्वायर्ड होगा ना। इसको ये कभी भी नहीं थ्री वाला ऐसे करेगा, F1 F3 ऐसे करना है, ऐसे कर रहा है, अब ऐसे करना है, C3 F3 अब ऐसे कर रहा है, समझ गया समझ गया। ठीक ठीक 4A भी होगा, वो सर ऐसे करेगा, देखना 4A को करो, 4A 4 6 हो गया सर 6 नहीं 4A 4 F1 F2 F1 F2 ऐसे अभी ऐसे स्कैन हो रहा है F7 C F3 F3 C F3 अब ऐसे हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर हमने कॉमन जो रिकॉर्डिंग करनी है वो किस पे करनी है? 1 पे शुरू करनी है। फिर उसको रिकॉर्ड रखेंगे तो हम किसी भी मोड में देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं ना। हाँ ठीक ठीक। अच्छा और क्या इसको अगर रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड कैसे करें? अब 1A पे हम कर रहे हैं ना, हाँ तो देखो कुछ कुछ में तो क्लीन आ रही है, कुछ कुछ में मोटी मोटी वेव फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब आप यहाँ से ही पता कर सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रोड लगा है कौन सा नहीं लगा हुआ है। वो कैसे पता कर सकते हो? जो ये मोटे मोटे आ रहे हैं ना उनका चैनल देख लो कौन सा है, FP1A1 इसका क्या है, F3A1 इसका क्या है, C3A1 मतलब A1 खराब है, मतलब A1 में प्रॉब्लम है, A1 आपका कॉमन है तो A1 चेक करना है, इससे लेफ्ट साइड ये ओपन ये निकला हुआ है ना A1, ये आपको यहाँ लगाना है स्कैल के ऊपर, पर इसको प्रॉपर से प्रॉपरली इसको ऐसे पेस्ट करना है, ऐसे पहले ऐसे ले कैसे लगा देते हैं, इसको लेना है पूरा फैलाना है प्रॉपर स्किन के ऊपर। अच्छा फिर ऐसे आपको लगाना है और पेशेंट को बोलना है स्किन भी धोनी है आपकी, आपको अपना फेस भी वॉश करके आना है, सब कुछ क्लीन करके आना है, ताकि कोई ऑयल वगैरह ना रहे, वैसलीन भी लगाना पड़ेगा, क्लीन हो गया ना आप कुछ नहीं लगा, अब क्लीन हो गया, हाँ बिल्कुल ड्राई होना चाहिए स्किन, हाँ क्लीन हो गया सर। बस हम रिकॉर्डिंग शुरू कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए आपको कहाँ गए? ये जाना इधर, ये माउस से कर लो, करो माउस से कर सकते हो आप, ये बटन दबाना है, इसको सिंगल प्रेस करना है, सिंगल छोड़ दो बस, ये हरा शुरू हो गया ना। अभी इतने मिनट की रिकॉर्डिंग बची है आपकी, इतने मिनट का कर सकते हो आप। अच्छा फ्री मिनट लिखा ना, उसके बाद इस जो भी चल रही है इसके बाद इतने मिनट की रिकॉर्डिंग और कर सकते हो आप। अभी इनकी तो हमने 15 मिनट्स ही करनी है, 15-20 मिनट्स की। अगर ये खत्म हो गया तो, इतने मिनट खत्म हो गए तो बस आपको डाटा डिलीट करना है। अच्छा डाटा डिलीट करके फिर दोबारा देना, मतलब ये डाटा सारा सेव रहेगा? हाँ डाटा सारा सेव रहेगा, डाटा डिलीट भी कर सकते हो, आपको किसी एक्सटर्नल ड्राइव में बैकअप लेना है बैकअप भी ले सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। ये कितने देर के लिए लेना होता है? बस ये आपको लेना है 5-10 मिनट लेना आपको। अच्छा आपने हाथ लगाया ईसीजी निकल गया था, तो ईसीजी आ नहीं रही ना वहाँ पर, ईसीजी निकल गया, ये हिल गया, हिल गया, ये हिल गया था ना। फिर सर उसके बाद क्या होता है, जैसे भाई साहब आप आंखें बंद करके रिलैक्स करो, कुछ भी मूवमेंट करेंगे ना यहाँ पे शो हो जाएगी आपको, गुल मोगल है ना, फिक मोगल ही सामान, बस सांस जीवन करो, नहीं सांस तो नहीं। अब इसका पॉइंट आउट निकालने के लिए कागज, कागज होता है इसमें, क्या होता है इसमें, अब जो टेक्नीशियन होता है वो पेशेंट की पेशेंट को मॉनिटर करके वो इसमें ना एंट्री करता रहता है, जैसे अब स्टार्ट अभी ये वेव फॉर्म आ रही है इसकी, अब वो पेशेंट को ना कुछ काम करने को बोलेगा, पेशेंट को बोले ये सब इसमें बने हुए हैं चैनल इवेंट्स, उसके बाद ये वेवफॉर्म आ गई है, अब इसको बोलो आईज क्लोज करेगा, ये मैं पूछूं मैं, ये सिचुएशन है इससे।
आई ब्लिंकिंग करने के लिए कह सकते हो मिक पुल हब लब बस ब्लिंकिंग की वेवफॉर्म बॉडी मूवमेंट में क्या है हिलाना नहीं है कुछ भी बॉडी मूवमेंट क्या करना है सर बॉडी मूवमेंट नहीं करनी है बॉडी मूवमेंट आपने तब करिए जब पेशेंट हिल रहा है ताकि जो देखने वाले को पता लगे कि यहाँ पे ये हिल रहा है कुछ ये क्यों हिल रहा है ईएमजी ईएमजी से होता है सर आपका मसल इसकी आर्टिफैक्ट होते हैं ये मसल्स के आर्टिफैक्ट होते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफ ऐसे ऐसे कर रहा है कुछ कर रहा है तो आप उसको ईएमजी पे दिखा सकते हो कि जो डॉक्टर देखेगा उसको पता लग जाएगा कि इस जगह पे पेशेंट ने अपना चीज मूवमेंट की थी कुछ प्रॉब्लम की थी आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कि कोई एक्शनल आर्टिफैक्ट है जैसे मैं आता हूँ आपको क्लॉक का टाइम दिखा रहा है जो आपका टाइम चला हुआ है ये दिखा रहा है कितने मिनट की रिकॉर्डिंग आपकी हो चुकी है ठीक है आपको 10 मिनट्स या 15 मिनट्स पीजे वगैरह में जो होते हैं वो 15 20 मिनट्स ही करते हैं ठीक है और अब आपने कुछ नहीं करना होता बस आपने पेशेंट को मॉनिटर करके उसके इवेंट्स डालने होते हैं बस यहाँ पे जो हरकतें वो कर रहा है वो मैं चल नहीं करवानी नहीं हरकतें बस शादी में करवानी है उसके बाद जब करेगा तो डाल देनी है आपने यहाँ ठीक है और अगर इनके अलावा कोई और प्रॉब्लम कर रहा है पेशेंट जैसे मान लो पेशेंट को सीजर आ गया है ना तो फिर आपने यहाँ पे मैंने उनकी जगह पे ये जगह बनी हुई है ना लिखने वाली ये जो जगह बनी है यहाँ पे लिख सकते हो आप सीजर ऐसा आई अच्छा इस टाइम अगर आ जाता एंटर कर दिया अभी सीजर यहाँ पे सीजर के मार्क आ गया ना ये तो डॉक्टर देखेगा तो उसको पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट को सीजर आया है सीजर में ये भी चेंज हो जाता है हाँ पैटर्न चेंज अभी तो वो जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है उनका ठीक है अभी इसमें देखो इसमें आपका A2 फिर ओपन हो गया देखो हाँ अब ठीक हुआ अच्छा इसमें जब लाइट लगाना हो तो आंखें खुली रखना है ना पेशेंट को पहले आपने बिल्कुल रिलैक्स करना है आपको बोला सो जा दो जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा बिल्कुल रिलैक्स होने के बाद कम से कम 10 मिनट के बाद करना है एकदम से तो कोई सोएगा नहीं ना किसी को सोने में 5-10 मिनट लगेंगे तो 10-15 मिनट 10 मिनट के बाद आप जब भी 10 मिनट हो जाएंगे यहाँ पे उसके बाद ही करना है पोटी का आपने तो करना कैसे है यहाँ जाना है आपने इस बटन पे इसको प्रेस करना है ये बटन खुल ये ऑप्शन खुल जाएगा आपके पास है ना और इसमें दो चीज़ें हैं देखो PS है और HV है ठीक है पर अभी शिफ्ट नहीं होगा अभी इतनी ऑन नहीं है ना ये अभी इसको चलेगा नहीं लाइट वो आवाज़ अच्छा, लाइट नहीं ना फिर क्या करना उस टाइम क्या करना है ये PS पे क्लिक करना है ये आपने बस इसको ये स्टार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे खोलने के लिए बोलना है इसको और कुछ है इसमें बस यही उसके बाद आपने बस ये रिकॉर्डिंग करनी है रिकॉर्डिंग को देखना है रिव्यू करना है तो आपने जाना है इसमें डाटा मैनेजर में जाना है यहाँ आ गए और डाटा मैनेजर में आप किसी भी हिसाब से सर्च कर सकते हो आप पेशेंट के ID डाल के भी सर्च कर सकते हो नाम से भी सर्च कर सकते हो या किस डेट को आपने की थी उस डेट को भी सर्च कर सकते हो जैसे मैं आज की डेट के डाल रहा हूँ यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ आज की डेट है 29 और इसको मैंने किया सर्च तो 29 को हमारी ये पेशेंट की हुई है नज़ीर आ गया ये नज़ीर की रिकॉर्डिंग यहाँ से हुई है अब इस पर क्लिक करके मैं करूँगा रिव्यू प्रीव्यू हाँ रिव्यू इसमें सारा आ जाएगा इसमें दोबारा से इसकी रिव्यू अभी इसकी रिफॉर्म चल रही है जो हमने की थी रिकॉर्ड ये सेव हो गई आई से ओपन आई स्क्रू ये हमने जो आई से करवाए थे वो सब यहाँ आ गए हैं किस टाइम पे हमने आई ओपन कराया था टाइम भी आ गया यहाँ किस टाइम पर सीजर आया था वो टाइम भी आ गया तो इस पर क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएगा वो आप क्लिक कीजिए इस पर किसी पर भी डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएगा ये मोमेंट में नहीं आएगा वीडियो फॉर्म में वीडियो प्रिंट प्रिंट में
नहीं इसका वीडियो नहीं चलेगा क्या? सर वीडियो का कैमरा नहीं है ना, उसका कैमरा लगाना पड़ता है। हाँ उसको कैमरा लगाना पड़ता है वीडियो के लिए। कहाँ पे कैमरा लग जाएगा यहाँ पे? वो तो उसमें ऑर्डर में कैमरा नहीं है ना, वैसे वीडियो वीडियो ईजी भी होती है। मैं इसमें रिकॉर्डिंग वीडियो वाला नहीं होता? नहीं सर वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, पर उसके लिए वीडियो कैमरा लगाना पड़ता है। इसमें जो आपने आपकी मशीन आई है इसमें वीडियो कैमरा नहीं है, वीडियो कैमरा अलग से लेके लगा सकते हो आप। अच्छा उसमें फिर हम बाद में भी वीडियो देख सकते, वीडियो भी आएगी उसमें, रिकॉर्डिंग भी आएगी, रिकॉर्डिंग तो आएगी ही। कैमरा कहाँ लगना था? कैमरा सर यहाँ ऊपर लगा सकते हैं आप, जैसे हमारा जो पीजीए में सेटअप लगा है हमारा एम्स में लगा है, वो हमने ऊपर कैमरा लगाया है। दो कैमरा लगते हैं इसमें, एक लगता है फेस के लिए, वो बस फेस को देखता है, और एक लगता है वहाँ पर लगता है पूरी बॉडी का। अच्छा जो हमने वीडियो सेव किया था वो वीडियो यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ है? वीडियो को सेव नहीं किया सर हमने। हाँ वीडियो तो कोई भी सेव नहीं किया हमने। वीडियो सेव होता है कि नहीं? हाँ वीडियो सेव होता है, पर उसके लिए वीडियो कैमरा लगाना पड़ता है सर पहले। अच्छा ऐसे नहीं होता वीडियो सेव। ठीक है ठीक। अब इसको आगे करना है आपको, तो आप इसका सेंटर पे क्लिक कीजिए कहीं पे भी, तो यहाँ से भी कर सकते हैं आगे पीछे इस बटन से। अच्छा अच्छा हाँ टाइम कौन से टाइम पे क्या है? अच्छा हाँ ये यहाँ पे आएगा, ये टाइम आ रहा है, ये इपोक आ रहा है, इपोक यानी कि 40वां पेज है इसका, ये पेज है ये 10 सेकंड की, इसमें एक पेज में 10 सेकंड की इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा ये सारा है ना, देखो टाइम है ना, ये सारा है टाइम। हाँ ये नीचे रही है पूरी टाइम लाइन आ रही है, लाइन्स बनी हुई है ना यहाँ पे, कुछ ना कुछ कुछ हमने इवेंट्स दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है जो लाइन्स बनी हुई है। बिल्कुल ये इवेंट्स है, ये आई क्लोज वाला है, ये नॉर्मल वाला है। ठीक है समझ गया सर। ऐसे अब आप अगर इसको प्रिंट करना हो तो क्या करना है? आपको मान लो ये वाला पेज प्रिंट करना है, एक दो पेज करना है, एक दो पेज जाना है। हाँ और प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा है ना। हाँ बस प्रिंट करके प्रिंट आ जाएगा, उसको सारा आ जाएगा क्या प्रिंट? यही पेज आएगा सर, जिस जिस पेज को खोला आपको वही पेज आएगा प्रिंट। अच्छा सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं, करंट पेज फ्रॉम 1 टू सर ये नहीं करना है, करंट पेज किया ना अभी कुछ नहीं आया, तो लगा ही नहीं है कुछ, ये लगाओ ना जरा लाइट प्रिंटर का लाइट नहीं। और वैसे भी आपको ये लगानी पड़ेगी, ये लगा के ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। ठीक है थैंक यू।